नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन टेबल शोज द डिटेल ऑफ द एक्सपेंडिचर। सेम टेबल है, ठीक है ना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर मोर देन 20%। देखिए एक्सपेंडिचर जो है किस केस में, किस साल में प्रीवियस ईयर से 20% ऊपर इंक्रीज हो गया, ये पूछा गया है किसका, सैलरी का। ठीक है, तो मैं सैलरी के एक्सपेंडिचर यहाँ पे लिख लेता हूँ सारी, 60.5, 68.4 और 62.8 और 67.2 और 84.0। ठीक है, हमसे बोला गया है कि किस साल में 20% से ज्यादा का इंक्रीज है। तो मैं यहाँ पे 2013, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ठीक है ना, ईयर भी दिए हुए। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज कितने का हुआ है, अगर मैं देखूं तो अप्रोक्स 8 का इंक्रीज है। ठीक है, 60 के ऊपर, 60 के ऊपर कितने का इंक्रीज है, 8 का, और 60 का 20% कितना होता है, 12 यूनिट। तो होना चाहिए था 12 से, 12 या 12 से ऊपर, हो गया कितना, 8। तो ये मैं कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा केस देखता हूँ 14 और 15 का। 14 से 15 क्या हुआ है, अमाउंट घटी है, हम निकाल रहे हैं किस साल में बढ़ी थी, तो ये ऑप्शन भी गलत रहेगा। अब 15 से 16 में निकालता हूँ, 62 से 67 कितने का इंक्रीज, 5 का इंक्रीज। होना कितने का चाहिए था, लगभग 12 या 12 से ऊपर, तो 15 से 16 भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो आंसर क्या बचा, 16 से 17 यानी 2017 में। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है, निकाल के भी देख लेते हैं। देखिए 67.2 से 84 हो गया, लगभग कितने का इंक्रीज, 17 का इंक्रीज, ठीक है ना, जो कि 12 या 12 से तो ज्यादा ही है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है।